देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अंदर और अंदर के पूरे नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग में आप लोग बने रहिए एंड तक, जो भी कुछ होगा आप लोगों के साथ में बताऊंगा मैं। और कुछ विदेश के भी आदमी इधर आते हैं उनको भी दिखलाएंगे आप लोगों को अगर मिले तो, ठीक है। आप लोग पूरे बने रहिए ब्लॉग में, चलिए आगे मिलते हैं। तो गाइस तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, फाइनली हम लोग ब्लॉग में बने रहिए, चलिए आगे क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। और देख सकते हैं यहाँ पर आदमी कितना है, ढेर सारा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पार्ट टू में डलाएगा ये ब्लॉग आएगा 2-3 दिन में, लगभग समय लगेगा एडिटिंग करने में। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, हम आप लोगों को साथ में हैं और आप वीडियो में पूरे बने रहें, आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते हैं कितना संख्या का भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर। लाल किला है दिल्ली का, देख सकते हैं कितना पुराना है, मस्त यहाँ पर बहुत, ऐसा लगता है कि पुराना कुछ याद आ जाता है यहाँ पर, है 200-300 लगभग 500 पुराना साल पुराना बिल्डिंग का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए मिलते हैं। फाइनली देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है गाइस, वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाते रहेंगे। और देख सकते हैं इधर लाल किला, ये कितना मस्त है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा यहाँ पर। फाइनली देख सकते हैं वहाँ पर झुलुआ उलुआ लगा है, मैं तो कभी आया नहीं हूँ लेकिन मैं अभी आया हूँ, आज पहली बार आया हूँ। देख सकते हैं हम लोग विश्वकर्मा जी, तो कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा फील हो रहा है। विश्वकर्मा जी कैसा फील लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आने से। और कितना अच्छा है यहाँ पर नज़ारा, बहुत ही अच्छा है, उसे पुराना याद पर याद आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं यहाँ पर लाल किला है, कितना मस्त है। आप लोग एक बार जरूर आइए यहाँ पर घूमने और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, आप लोग देखिए यहाँ पर जरूर, बहुत ही अच्छा है। तो सो गाइस चलिए बने रहिए ब्लॉग में, हम आपको दिखाएंगे आगे का नज़ारा, बहुत ही कुछ है यहाँ पर। तो चलिए आगे मिलते हैं हम लोग, किधर से चलेंगे हम लोग?